हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं पासी चैम्प और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्टेबल सक्शन मशीन के बारे में। और मैंने अच्छे से इस वीडियो में बताया है कि पोर्टेबल सक्शन मशीन कैसी होती है और जो उसका चैम्बर होता है जिसमें वेस्ट फ्लूड जो सक्शन करके आता है उसको कैसे खाली करना है, जब वो भर जाता है तो उसको खाली कैसे करना है। और मैंने दो तरह के सक्शन कैथेटर को बताया है। मुझे लगता है कि आपने शायद इस टाइप का जो सक्शन कैथेटर है वो शायद ना देखा हो, तो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो हो सकती है अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके सामने है सक्शन मशीन ओलेक्स कंपनी की और ये है इसका ऑन ऑफ बटन। और मैं आपको इस वीडियो में इसे ऑन ऑफ करके और ये काम कैसे करती है ये भी बताऊँगा। तो ये है इसका वैक्यूम प्रेशर बटन जिससे आप रेगुलेट कर सकते हैं। ये है प्रेशर मीटर, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना प्रेशर है। और सामने आपके ये फ़िल्टर है, बैक्टीरियल फ़िल्टर बोलते हैं, और इसे एक हफ़्ते में एक बार तो चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यहीं से जो हवा है वो रूम में जाती है और अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट के वाला। बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं क्योंकि इन्फेक्टेड वॉल्यूम जो आप एयर है उसको इनहेल करेंगे। और अब मैं इसे चलो आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में जो सक्शन मशीन है वो काम कैसे करती है और कैसे वैक्यूम प्रेशर इसमें क्रिएट होता है। तो चलिए गाइस अब इसे फटाफट ऑन कर लेते हैं और देखिए इसे ये सब रेडी है। तो चलिए ऑन कर ही देते हैं इसे। और ये देखिए आप इसके मीटर पर देख सकते हैं कि जो वैक्यूम प्रेशर है क्रिएट हो चुका है। और ये देखिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ तो ये देखिए जो सुई है वो ऊपर नीचे हो रही है और आप आसानी से देख सकते हैं इसे। और अभी ये मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे है और मैं इसको मिनिमम भी कर देता हूँ तभी भी ये जो है अपना वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको कितना वैक्यूम प्रेशर चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके तो चलिए इसे कर देते हैं अब बंद। और अब मैं आपको सक्शन कैथेटर भी दिखा देता हूँ। दो अलग अलग तरह के जो सक्शन कैथेटर मैंने आपको बताए थे इस वीडियो में। तो गाइस ये है पहला सक्शन कैथेटर, ये है प्लेन और 14 नंबर का ये सक्शन कैथेटर है ग्रीन कलर का। और ये थोड़ा काम चलाने के लिए ठीक है लेकिन गाइस मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस सक्शन कैथेटर को यूज़ ना करें क्योंकि इसे बारी बारी आपको क्लैंप करना पड़ेगा सक्शन करते टाइम। देखिए ये 14 नंबर का सक्शन कैथेटर है और ये इसका जो MRP है वो 52 रुपीज़ का है। और ये देखिए सामने से कुछ ऐसा है सक्शन करने के लिए जब आप एंडोट्रैकेट ट्यूब में डालें या ट्रकियोस में ट्यूब में डालें। तो आपको ये जो हमारी ये सक्शन मशीन है इसके साथ अटैच करने के लिए एक स्किन भी चाहिए होती है जो इसके आगे लगती है, वो अलग से आपको परचेज करनी पड़ेगी। और मैं आपको दूसरा कैथेटर भी दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस ये है वो दूसरा कैथेटर जिसे मैं यूजली यूज़ करता हूँ सक्शन के लिए। देखिए और इसमें आपको फैसिलिटी ये मिलती है सबसे ज़्यादा अच्छी कि आपको इसे क्लैंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप अकेले ही सक्शन कर सकते हैं। प्लेन कैथेटर से दो जनों की ज़रूरत पड़ती है सक्शन करने के लिए लेकिन इस कैथेटर से आप अकेले ही सक्शन आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती सक्शन करते टाइम। और ये थोड़ा कॉस्टली है दूसरे प्लेन कैथेटर से लेकिन मेरी माने तो आप इसका ही यूज़ करें। ये 12 नंबर का है सक्शन कैथेटर और थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा गाइस, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 70 रुपीज़ का। देखिए इसका MRP है और इसका MRP गाइस 52 रुपीज़ का है। ये 14 नंबर का है और ये 12 नंबर का जो सक्शन कैथेटर है हमारा ग्रीन कलर का। तो देखिए जो प्लेन कैथेटर है उसको आप सामने से क्लैंप करेंगे तो ये काम करेगा क्योंकि जब सक्शन करते हैं तो अंदर क्लैंप करके ही डालते हैं। और इसे आपको क्लैंप करने की ज़रूरत नहीं है, आप थंब को ना लगाएं यहाँ पर और आप अंदर ही डाल दें तो वह ऐसे क्लैंप की तरह ही काम करेगा। तो चलिए मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये देखिए आप इसको यूज़ कैसे करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर ये पिन टाइप है ही जो हमारे पाइप के अंदर जाएगा, और यहाँ देखिए ऐसे थंब को रखना है आपने, और तब जो है सक्शनिंग मशीन का जो वैक्यूम प्रेशर है वो क्रिएट हो जाएगा थंब रखने से। जब आप सक्शन कैथेटर को अंदर डालें ट्रकियोस्मी ट्यूब में, तब आप थंब ना रखें। देखिए कुछ ऐसे लग जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और सक्शन करते टाइम गाइस 10 से 12 सेंटीमीटर तक अंदर डालना होता है ट्रकियोस्मी ट्यूब के अंदर, और ईटी ट्यूब में सिचुएशन के हिसाब से कि ईटी ट्यूब कितनी डली हुई है। देखिए कुछ ग्लव्स पहन के बिल्कुल स्टेरलाइज मेथड से आपने इसको कैथेटर को यूज़ करना है। ये तो वैसे अब ख़राब ही हो जाएगा, मैं इसको डिस्कार्ड ज़रूर कर दूंगा इस वीडियो को बनाने के बाद। तो 12 सेंटीमीटर तक आप डाल सकते हैं, और ऐसे नहीं डालना, आपने राउंड अप करके आपने सक्शन करना है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, और मैं हाउ टू सक्शनिंग के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गाइस कि आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। और जब सक्शन आप यूज़ ना कर रहे हो तो इसको बंद कर दें, ओके। और जो दूसरा प्लेन कैथेटर है आप इसे यूज़ ना करें, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा। तो दूसरा है ये जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल आता है, म्यूकस वगैरह जो हम सक्शनिंग करते हैं, इसे आप ग्लव्स पहन के प्रॉपरली अच्छे से साफ़ कर लें। और जब आप साफ़ कर लेंगे तो इसे सेवलॉन या डिटॉल से अच्छे से धो लें, ताकि जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल भी ना रहें। और जब ये भरेगा तो सक्शनिंग का जो वैक्यूम प्रेशर वो काम नहीं करेगा, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलता हूँ, तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट, ओके टाटा बाय बाय।